गाइस इतने बड़े शिव जी। बहुत थक गई यहाँ बारिश की वजह से। गाइस सिक्योरिटी चेकिंग बोतल लेके जाऊंगी मैं। रज्जू कैसा लगा तुझे 360? सो गाइस अंदर आने को भी टेंशन हो गई है। तो गाइस अब हम करेंगे प्रस्थान घर की तरफ। कहाँ जाना है ड्राइवर साहब, कहाँ जाना है? शॉपिंग। भाभी शॉपिंग कराने में को व्हाइट कलर की जीन्स चाहिए। दिला दे यार एक जीजा जी का पैसा। मैं पानी मांगेंगे, मैं भी ऐ करूँगी। अरे दिला दे भैया एक लास्ट 1000 रुपये आ जाएगी। साली के 1000 रुपये खर्च कर दे। वो भी व्हाइट कलर की। क्यों औरों को तो करता ही खर्च। अभी गर्लफ्रेंड होती ना इनकी, वही तो वो लेके जाते। गाइस मैं आपको दिखा दी भोलेनाथ शंकरा। हम निकल गए दीदी बिल्कुल पूरे मूड में। भोलेनाथ शंकरा अरे रुक जाओ, दिखेंगे भोलेनाथ शंकरा। ये देखो शिव जी हरिद्वार। माय गॉड कितने सुंदर लग रहे हैं। कितने बड़े हैं गाइस, इतने बड़े शिव जी। बहुत सुंदर लग रही। हरिद्वार में नीचे नदी है। आओ योगी अब कुछ खा लेते, भूख लगी बहुत। ठीक है, आज तो सही भूखा मार दिया एनिवर्सरी के दिन। आज तो एनिवर्सरी के दिन भी भूखा मार दिया सबको। आओ गाइस, ये है शाही पनीर, ये है घर की रोटियाँ, ये है फ्राइड राइस, ये चाउमीन। मम्मी भी खा रही चाउमीन, मम्मी भी खा रही चाउमीन। ये पिकल है। सो गाइस अब हम पहुँचने वाले हैं अपने घर पर। बहुत थक गए, यहाँ बारिश भी हुई थी हल्की फुल्की। हम पहुंच गए घर, अब निकालते हैं सामान। क्या प्लानिंग है आज की? मौसम ऐसा कर रहा है, घूंघट बज रही है, देखो बादल। बहुत ही आधी तूफान आ रहा है, कहीं मैं ना उड़ जाऊं। वो देखो ऐसे मेरे से कोई दिल इच्छा नहीं कर रही है। पता नहीं मेरा मन ही नहीं कर रहा है कहीं जाने का, सोने का मन कर रहा है बस। आज ही मजबूरी में घूमी हूँ। गाइस ये है जहाँ आज हम खाना खाने आए, तमतारा, जहाँ डिनर हमारा यहीं आज। भाभी जाओ। गाइस सिक्योरिटी चेकिंग कुछ ज़्यादा ही हाईफाई जगह आ गई आई थिंक, लग रहा है योगी कुछ ज़्यादा ही बड़े उसमें आ गए शायद। यहाँ तो सिक्योरिटी चेकिंग हो रही है। वहाँ जाना है। चलो चाहिए तो उनसे। गाइस ये मेन्यू कार्ड है, मैंने आज तक ऐसा मेन्यू कार्ड देखा नहीं है। ये अलग है, ये मेन्यू कार्ड और मेन्यू कार्ड को मेन्यू मिला है मुझे लग रहा है। मेन मेन्यू का योगी मुझे बताइए। इसका रेस्टोरेंट में आके यही ड्रामे रहते हैं। मेन कोर्स ये है। हम लोग के यहाँ सब नॉन वेज दिख रहा है और नॉन वेज हम छोड़ चुके हैं खाना, तो बड़ा कन्फ्यूजन है क्या खाना क्या लोग। आदि आप क्या खाओगी? क्या सो गाइस ये आ गई चाउमीन, ये भैया सर्व कर रहे हैं। और क्या आना बाकी है? चिकन सर कोई मैं कह रही थी भाभी मुर्गी खाना जैसा लगा और जो तो खा ही नहीं रहा उसका चिकन आएगा। खाना कैसा लगा? सच में मुझे तो अच्छा लगा नहीं, मैं थोड़ा सा लिया था वो भी नहीं खाया गया। मैं आधी से घर में बोलती बेटा सैंडविच खा ले, मम्मा नहीं खाना और यहाँ पर सैंडविच ये इतना सैंडविच इतना महंगा है बाप रे। अब हम निकल रहे हैं यहाँ से खाना खा के। अब बाहर खाओगे? नहीं अभी नहीं खाना। नहीं खाना बिल्कुल अच्छा नहीं था। योगी खाना कैसा था? बस बढ़िया। क्या यही सुसुमर दी वो तो उसका काम ही है। हम निकल रहे हैं घर को। सर्वर आया यार बता। आदि आज कांड करके आ गया, तमतारा के आगे सुसु करके आ गया है। जहाँ हम खाना खाने गए थे उस रेस्टोरेंट में वो 3 स्टार था 5 स्टार था। अरे बाबू वो रेस्टोरेंट था ठीक है, आदि मुट्ठू करते टाइम ये बोला था मैं भूत दिया तेरे तमतारा पे, तूने खाना अच्छा नहीं दिया। वो डायलॉग भी है ना, मैं भूत दिया तमतारा पे खाना हो गया। मतलब कुल मिला के हमने खाना खाया, बिल्कुल खाना अच्छा नहीं था, टेस्ट नहीं था। हमने मलाई पनीर मलाईदार मखानी क्या मंगाया, इतना महंगा इतना एक्सपेंसिव, ऊपर से इसमें कोई टेस्ट ही नहीं था, मीठा हो रहा था। तो हमने 5-7 रोटी मंगाई थी वो भी पैक कराई नहीं खाई। नूडल्स मंगाए थे योगी ने कहा पसंद नहीं आए वो भी नहीं खाए, नहीं वो खाए शायद नूडल्स खाए। और बाकी रज्जू ने चिकन मंगाया था वो कैंसिल करा और हमने सिस्टम केक काटेंगे तो हमने कहा छोड़ो यार कल केक काट लेंगे। केक काटना मतलब जरूरी थोड़ी ना, कंपलसरी होना है। बहुत महंगा था गाइस, 2000 रुपये का केक था और हमने कहा इतना उतना सदा छोड़ो क्या करना है, इतना महंगा केक लेके कोई फायदा नहीं है। पता है मैं ना हाँ पे सोची थी कि ये बोतल ना घर लेके आऊं। हाँ तो मैं उठा के लाया हूँ। क्या सारे लोग उठा के लेके लाए थे ना, लेकिन मेरे को बोलने में शर्म आ गई कि ये बोतल लेके जाऊंगी मैं। रज्जू कैसा लगा तुझे 360 रुपए का सैंडविच? आदि घर में सैंडविच नहीं खाता और बाहर 360 रुपए ठुका दिए इसने। अरे फिर भी यार भैया बता 40 रुपए किलो खीरा हो रहा है, वो खीरा भी डाला था सैंडविच। हाँ यार खाली टमाटर था, इससे अच्छा तो आप ही बना देते हो। पागल हो चुका है ऐसे जो आगे खर्च कर रहे हैं, मजा नहीं खाने का। वो बताओ वो अपनी छब्बियों को बस हो रहा है ना, बोलो आपके गले में दर्द हो जाएगी। सो गाइस मेरी नंदरानी को मेरी टेंशन हो गई है, सो आपको घर जाके मिलते ही शायद चाय टपरी पे जा रहे हैं, क्या वहाँ मिले चाय क्योंकि इनका पेट नहीं भरा। आप कह रहे हम चाय की टपरी में जाके चाय वाय पियेंगे। रज्जू पक्का चाय पिएगा और क्या पिएगा? चल खा लेना, पेट भर ले भैया, सस्ते से भर ले, महंगा वाला हजम नहीं हुआ हमें। सही बात है। तो भाई हम आ गए हैं पुंज दे शाही लस्सी में। आदि और योगी अंदर बैठे कार के, आदि सो गया है तो रज्जू कुछ ले रहा है। क्या लोगे? लेमन टी। योगी क्या खाना है तुमको? आइसक्रीम। आइसक्रीम और आइसक्रीम ना मिले तो? आइसक्रीम ना मिले तो रोटी। योगी रात के 11 बज रहे हैं, कोई बटर मक्खन खा रहा है कोई कुछ खा रहा है और मैं क्या खाऊं? तुम आइसक्रीम खा रहे हो मैं क्या खाऊं? पूछती हूँ रुको इनसे। मेरे लिए क्या मंगाया है? सिगरेट। लाओ वही दे दो फिर, मुझे कुछ तो दे दो। सो गाइस 10 मिनट पहले घर पहुंच चुके हैं, हमने चेंज भी कर लिया है और अब सोच रहे हैं सो जाएं। सो अगर मेरी आपको वीडियो अच्छी लगी सर प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगेगी क्योंकि देहरादून आए सो आज का दिन तो बड़ा इंटरेस्टिंग रहा, लेकिन वही बात है कि कहते हैं ना कि हर चीज़ हमारे मुताबिक नहीं हो सकती। सो आज वैसे ही हुआ, खाने का टेस्ट अच्छा नहीं था बट ये है कि दिन अच्छा चला गया, दिन भर हम घूमे फिरे। तो व्लॉग में देख लिया होगा आपने, आपको आई होप अच्छा लगा हो। सो बाय, गुड नाइट, टेक केयर। मिलते हैं कल को नई वीडियो के साथ नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय।